ओम शांति। ओम शांति। कल हुबली में वाणी चल रही थी, 14 अक्टूबर 1966। Yesterday, the Vani which was in progress in Hubli is dated 14th October 1966. तीसरे पेज के मध्यांत में। We were in the end of the middle part of the third page. और बात चल रही थी। And the topic that was in progress is प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखलाते हैं। राजयोग इज टॉट थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। किसके द्वारा? प्रजापिता ब्रह्मा। थ्रू हुम? स्टूडेंट्स, प्रजापिता ब्रह्मा। थ्रू प्रजापिता ब्रह्मा। ये ब्रह्मा से पहले प्रजापिता क्यों लगा दिया? व्हाई वॉज द वर्ड प्रजापिता इंसर्टेड बिफोर ब्रह्मा? क्योंकि मुरली में बोला है ब्रह्मा तो बहुतों के नाम होते हैं। बिकॉज इट इज सेड इन द मुरली देर आर मेनी विद द नेम ब्रह्मा। लेकिन प्रजापिता सिर्फ एक ही होता है। बट देर इज ओनली वन प्रजापिता। सारी प्रजा का पिता। द फादर ऑफ ऑल द सब्जेक्ट्स प्रजा। सारी मनुष्य सृष्टि। दिस इज द एंटायर ह्यूमन क्रिएशन। और उस सारी मनुष्य सृष्टि का पिता एक प्रजापिता। एंड द फादर ऑफ द एंटायर ह्यूमन क्रिएशन इज द वन प्रजापिता। जब तक ये मनुष्य सृष्टि है तब तक इस सृष्टि पर प्रजापिता मौजूद रहेगा। प्रजापिता विल बी प्रेजेंट इन दिस वर्ल्ड एज लॉन्ग एज दिस ह्यूमन क्रिएशन एग्जिस्ट्स। ये सृष्टि रूपी वृक्ष है मनुष्यों का। दिस इज अ ट्री लाइक वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन बीइंग्स। आज में भी बीज होता है और अंत में भी बीज होता है। द सीड इज इन द बिगिनिंग एज वेल एज इन द एंड। मध्य में बीज गुप्त हो जाता है। द सीड बिकम्स हिडन इन द मिडल। मनुष्य सृष्टि साकार है या निराकार है? साकार है। इज द ह्यूमन क्रिएशन कॉर्पोरियल और इनकॉर्पोरियल? स्टूडेंट्स, कॉर्पोरियल। इट इज कॉर्पोरियल। तो साकार मनुष्य सृष्टि का बीज भी कैसा होगा? साकार ही होगा। देन हाउ विल द सीड ऑफ द कॉर्पोरियल ह्यूमन क्रिएशन ऑल्सो बी? स्टूडेंट्स, कॉर्पोरियल। इट विल बी कॉर्पोरियल इंडीड। आत्माएं निराकार है या साकार? निराकार है। आर द सोल्स इनकॉर्पोरियल और कॉर्पोरियल? स्टूडेंट्स, इनकॉर्पोरियल। दे आर इनकॉर्पोरियल। आत्माओं का बीज बाप भी निराकार होगा। द सीड द फादर ऑफ द सोल्स ऑल्सो विल बी इनकॉर्पोरियल। आत्माएं अविनाशी है, आत्माओं का बाप भी अविनाशी। द सोल्स आर इम्पेरिशेबल एंड द फादर ऑफ द सोल्स इज ऑल्सो इम्पेरिशेबल। जो अविनाशी मनुष्य आत्माओं का बाप है वो भी अविनाशी है। द वन हु इज द फादर ऑफ द इम्पेरिशेबल ह्यूमन सोल्स इज ऑल्सो इम्पेरिशेबल। अंतर है। बट देर इज अ डिफरेंस। क्या अंतर है? वॉट इज द डिफरेंस? वही अंतर है जो भक्ति मार्ग में द्वापर के आदि में जो मनुष्य गुरुओं ने वेदवाणी लिखी। इट इज द सेम डिफरेंस अबाउट विच द ह्यूमन गुरुज रोट इन द वेदवाणी इन द पाथ ऑफ भक्ति दैट इज डिवोशन एट द बिगिनिंग ऑफ द कॉपर एज। ब्रह्मा की चार भुजाओं में चार वेद दिखाते हैं। फोर वेदास आर शोन इन द फोर हैंड्स ऑफ ब्रह्मा। उनमें मुख्य वेद का नाम है ऋग्वेद। अमंग देम द नेम ऑफ द मेन वेदा इज द ऋग्वेदा। उसमें एक मुख्य ऋचा आई है। एन इम्पोर्टेंट वर्स इज मेंशन्ड इन इट। जिसमें बताया गया है। इन विच इट इज सेड द्वा सुपर्णा सुयजा सखाया समानम वृक्षम अविशस्तु जाति।
द्वा सुपर्णा सुयुजा सखाया समानम वृक्षम अभिशस्व जाते. दिस वर्ल्ड इज लाइक अ ट्री ऑन विच टू स्पेशल बर्ड्स रिसाइड. वन इज अ प्लेजर सीकर भोक्ता एंड द अदर इज द वन हु डजंट सीक प्लेजर अभोक्ता. ये सत्य रूपी वृक्ष है. दिस इज अ ट्री लाइक वर्ल्ड. इस सत्य रूपी वृक्ष में ऑन दिस ट्री लाइक वर्ल्ड दो पक्षी बैठे हुए हैं. टू बर्ड्स आर सिटिंग. शास्त्रों में जो कुछ भी लिखा हुआ है वॉट एवर इज रिटन इन द स्क्रिप्चर्स कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है. वेन इज इट द मेमोरियल ऑफ? स्टूडेंट्स द कॉन्फ्लुएंस एज. इट इज द मेमोरियल ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज. तो संगम युग में सो इन द कॉन्फ्लुएंस एज इस सृष्टि रूपी वृक्ष में इन दिस ट्री लाइक वर्ल्ड दो विशेष आत्मा रूपी चिड़िया बैठी हुई. टू स्पेशल बर्ड्स लाइक सोल्स आर सिटिंग. एक आत्मा भोक्ता है. वन सोल इज अ प्लेजर सीकर और एक आत्मा अभोक्ता है. एंड द अदर सोल इज द वन हु डजंट सीक प्लेजर. इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर जो भी आत्माएं जन्म मरण के चक्र में आती हैं वो सब भोगता है. ऑल द सोल्स हु कम इन द साइकिल ऑफ बर्थ एंड डेथ ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड आर प्लेजर सीकर्स. भोक्ताओं का बाप भी भोक्ता होगा. द फादर ऑफ द प्लेजर सीकर्स विल ऑल्सो बी अ प्लेजर सीकर. मनुष्य आत्माओं की बात हो रही है. वी आर स्पीकिंग अबाउट ह्यूमन सोल्स. जीवात्माओं की बात हो रही है. वी आर स्पीकिंग अबाउट द लिविंग सोल्स. जो जीवन में आती है. हु कम टू लाइफ फिर मृत्यु को भी पाती है. एंड देन ऑल्सो डाई. उन जीवात्माओं का बाप भी भोक्ता है. द फादर ऑफ दोज लिविंग सोल्स इज ऑल्सो अ प्लेजर सीकर. और एक ऐसी आत्मा भी बैठी हुई है जो अभोक्ता है. सिटिंग देयर इज ऑल्सो सच अ सोल हु इज नॉट अ प्लेजर सीकर. वो सिर्फ एक ही है. देयर इज ओनली वन लाइक हिम. उसकी तुलना किसी दूसरी आत्मा से नहीं की जा सकती. ही कैनॉट बी कम्पेयर्ड विथ एनी अदर सोल. जो भोगी होता है भोक्ता होता है वो पहले अपना कल्याण करता है. द वन हु इज अ प्लेजर सीकर ब्रिंग्स हिज ओन बेनिफिट फर्स्ट. क्या? वॉट? जो भोगी होता है वो पहले अपना कल्याण करता है. द वन हु इज अ प्लेजर सीकर ब्रिंग्स हिज ओन बेनिफिट फर्स्ट. और जिसको भोगना ही नहीं है अब भोगता है. एंड द वन हु डज नॉट वॉन्ट टू इंजॉय प्लेजर एट ऑल हु इज अभोक्ता वो सब का कल्याण करता है. अपने कल्याण की उसे कोई चिंता नहीं है. ब्रिंग्स बेनिफिट टू एवरी वन. ही डजंट हैव एनी वरी अबाउट हिज ओन बेनिफिट. जो सारी सृष्टि का कल्याण करता है उसका नाम है शिव. द नेम ऑफ द वन हु ब्रिंग्स बेनिफिट टू द एंटायर वर्ल्ड इज शिव. वो कभी अकल्याण करता ही नहीं. He never harms anyone at all. अभोक्ता है. He is अभोक्ता. इसलिए भोगने वाली इंद्रियां भी उसको नहीं है. So he doesn't have the organs that enjoy pleasure either. और जो भी जीवात्माएं हैं उन सबको को कुछ न कुछ है. All the other living souls have one or another organ. किसी को एक किसी को दो किसी को चार किसी को दस इंद्रियां. सम हैव वन सम हैव टू सम हैव फोर सम हैव टेन ऑर्गन्स. वो इंद्रियों से भोग भोगती है. दे इंजॉय प्लेजर थ्रू दोज ऑर्गन्स. जिसको इंद्रियां नहीं उसको अपना शरीर भी नहीं. द वन हु डजंट हैव ऑर्गन्स डजंट हैव हिज बॉडी ईदर. रथ भी नहीं. ही डजंट इवन हैव अ चैरियट दैट इज बॉडी. अपना रथ नहीं. He doesn't have his own chariot. जब अपना रथ ही नहीं तो स्वार्थ कहाँ से आवेगा? When he doesn't have his own chariot at all, how will selfishness arise? आवेगा? आ ही नहीं सकता. Will it arise? Someone said, no.
इट कैनॉट अराइज एट ऑल। और ये बात भी मनुष्य गुरुओं ने शास्त्रों में लिख दी। मोर ओवर द ह्यूमन गुरुज हैव रिटन दिस टू इन द स्क्रिप्चर्स। यहाँ संगम युग की ही यादगार। इट इज द मेमोरियल ऑफ हियर ऑफ द कॉन्फ्लुएंस एज इट सेल्फ। सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागि करे सब प्रीति। इट हैज बीन रिटन सुर नर मुनि सबकी यह रीति स्वार्थ लागे करे सब प्रीति। चाहे देवता हो, दैट इज वेदर इट इज अ डीटी, चाहे ऋषि मुनि हो, वेदर इट इज अ सेज और अ सेंट, चाहे मनुष्य हो, वेदर इट इज अ ह्यूमन बीइंग, सबकी ये रीति है। इट इज अ प्रैक्टिस अमंग ऑल ऑफ देम कि स्वार्थ के आधार पर सब प्रीति करती है। दैट देयर लव इज बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस। स्वार्थ है क्योंकि उनको अपना रथ है। स्व सेल्फ रथ चैरियट। इट इज बिकॉज दे हैव देयर चैरियट। और शिव सुप्रीम सोल को अपना रथ है कि नहीं? एंड शिव द सुप्रीम सोल डजंट हैव हिज चैरियट एट ऑल। तो स्वार्थ के लिए वो कोई कार्य करता ही नहीं। हेंस ही डजंट डू एनीथिंग आउट ऑफ सेल्फिशनेस एट ऑल। जो भी करता है परमार्थ के लिए करता है। वॉट एवर ही डज इज फॉर द सुप्रीम कॉज। जो वाचा बोलेगा, वॉट एवर ही सेज। अब बोलेगा कैसे? वेल हाउ विल ही स्पीक? मुख तो है ही नहीं। ही डजंट हैव अ माउथ एट ऑल। मुसलमान लोग कह देते हैं अपनी पुस्तकों में, द मुस्लिम्स राइट इन देयर बुक्स, व्याख्या भी करके सुनाई देते हैं, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। दे ऑल्सो मेक इंटरप्रिटेशंस एंड नरेट, अल्लाह मियाँ ने ये फरमाया, अल्लाह मियाँ ने वो फरमाया। दैट इज गॉड ऑर्डर्ड दिस, गॉड ऑर्डर्ड दैट। अब फरमाएगा तो मुख से ना? वेल ही विल सर्टेनली गिव एन ऑर्डर थ्रू अ माउथ, वोंट ही? या आसमान से आकाशवाणी आती है? और डज एन आकाशवाणी कम फ्रॉम द स्काई? आकाशवाणी अ वॉइस फ्रॉम द स्काई। जैसे हिंदुओं ने लिख दिया शास्त्रों में आकाशवाणी हुई। जस्ट लाइक द हिंदूज हैव रिटन इन द स्क्रिप्चर्स दैट देयर वॉज एन आकाशवाणी। अब आकाशवाणी नहीं होती है? वेल देयर इज नो आकाशवाणी। आकाशवाणी का मतलब सबसे ऊंची वाणी। बाय आकाशवाणी इट इज मेंट द हाईएस्ट वाणी। क्या? व्हाट? उसको कहते ऊंचा तेरा नाम, ऊंचा तेरा काम, ऊंचा तेरा धाम। फॉर हिम इट इज सेड हाईएस्ट इज योर नेम, हाईएस्ट इज योर वर्क एंड हाईएस्ट इज योर अबोर्ड। वो आकाशवाणी चलाने वाला बलि सृष्टि के कल्याण के लिए ऊपर से नीचे आकर। ऑल्दो द वन हु नरेट्स द आकाशवाणी कम्स डाउन फ्रॉम अबव फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस वर्ल्ड। ऊंची स्टेज को छोड़ देता है। ही लीव्स द हाई स्टेज। कहाँ आता है? वेयर डज ही कम? नीची स्टेज में। ही कम्स टू अ लो स्टेज। और नीची स्टेज में आकर के, एंड आफ्टर कमिंग इन टू अ लो स्टेज, जो ऊंचते ऊंच पार्टधारी है और जो नीचे नीचते नीचे पार्टधारी है। ही एंटर्स द वन हु इज द हाईएस्ट एज वेल एज द लोएस्ट एक्टर। क्या? व्हाट? इस सत्यरूपी रंगमंच का ऐसा हीरो पार्टधारी है जो ऊंचते ऊंच पार्ट भी बजाता है। द हीरो एक्टर ऑफ दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड इज सच दैट ही प्लेज द हाईएस्ट पार्ट। और कलयुग के अंत में नीचते नीच भी पार्ट बजाता है। एंड ऑल्सो प्लेस द लोएस्ट पार्ट इन द एंड ऑफ द आयरन एज। सत्युग के आदि में, इन द बिगिनिंग ऑफ द गोल्डन एज, सर्वगुण संपन्न सोलह कला संपूर्ण संपूर्ण अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम नर नारायण बनता है। ही बिकम्स कम्प्लीट विथ ऑल वर्च्यूज 16 सिलेस्टियल डिग्रीज कम्प्लीट, कम्प्लीटली नॉन वायलेंट, द बेस्ट अमंग ऑल द सोल्स हु फॉलो द कोड ऑफ कॉन्डक्ट एंड नर नारायण, दैट इज फ्रॉम अ मैन टू नारायण। क्या बनता है? नर से डायरेक्ट नारायण बनता है। वॉट डज ही बिकम?
ही बिकम्स नारायण डायरेक्टली फ्रॉम अ नर दैट इज मैन. नर से बीच में प्रिंस भी नहीं बनता. ही डजंट इवन बिकम अ प्रिंस इन बिटवीन फ्रॉम नर. कि नर शरीर छोड़ करके पहले प्रिंस बने. सो दैट नर वुड लीव हिज बॉडी एंड बिकम अ प्रिंस फर्स्ट. फिर नारायण बने बड़ा होकर. एंड देन बिकम नारायण व्हेन ही ग्रोज अप. नहीं. नो. इसी जीवन में नर और इसी जीवन में नारायण. इन दिस वेरी लाइफ ही इज नर एंड इन दिस वेरी लाइफ ही बिकम्स नारायण. जो मनुष्य जीवन का लक्ष्य है. विच इज द एम ऑफ द ह्यूमन लाइफ. क्या है लक्ष्य. वॉट इज द एम. भक्ति माया की गीता में भी दिखाया है. इट इज ऑल्सो रिटन इन द गीता ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति. नर अर्जुन को ऐसा ज्ञान दिया. ही गेव सच नॉलेज टू नर अर्जुन. जो नर से नारायण बना. दैट ही बिकेम नारायण फ्रॉम नर. और नारी द्रौपदी को ऐसा ज्ञान दिया जो नारी से नारायणी बनी. एंड ही गेव सच नॉलेज टू नारी दैट इज वुमन द्रौपदी दैट शी बिकेम नारायणी फ्रॉम अ नारी. बनी तो. शी इंडीड बिकेम दैट. क्या अपने आप नहीं. बट डिड शी बिकम दैट ऑन हर ओन. डॉक्टर बना तो. समवन सर्टेनली बिकेम अ डॉक्टर. इंजीनियर बना तो. वकील बना तो. बिकेम एन इंजीनियर. बिकेम अ लॉयर. क्या अपने आप बन गया. बट डिड ही बिकम दैट ऑन हिज ओन. या पढ़ाई पढ़ के बनते. और डू दे बिकम दैट आफ्टर स्टडींग. ऐसे ही परमपिता परमात्मा भी इस सृष्टि पर आकर के पढ़ाई पढ़ाता है. समवन सेड आफ्टर स्टडींग इन द सेम वे द सुप्रीम फादर सुप्रीम सोल ऑल्सो कम्स टू दिस वर्ल्ड एंड टीचेस. इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है. ही डजंट टीच द स्टडी ऑफ इंजीनियरिंग. डॉक्टरी की पढ़ाई नहीं पढ़ाता है. ही डजंट टीच द स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर. वकालत की पढ़ाई नहीं पढ़ाता. ही डजंट टीच द स्टडी ऑफ लॉ. ये एक जन्म की पढ़ाई है. दीज आर द स्टडीज फॉर वन बर्थ. और उस एक जन्म में भी उन पढ़ाइयों से प्राप्ति हो या न हो. एंड ऑल्सो इन दैट वन बर्थ नोबडी नोज वेदर यू विल रिसीव अटेनमेंट्स फ्रॉम दो स्टडीज और नॉट. लेकिन सुप्रीम सोल बाप शिव. बट द सुप्रीम सोल फादर शिव. ऐसी पढ़ाई आकर के पढ़ाता है. कम्स एंड टीचेस अस सच अ स्टडी. कि इसी एक जन्म की पढ़ाई से नर से नारायण जैसा बना देता है. दैट जस्ट बाय द स्टडी ऑफ दिस वन बर्थ ही मेक्स अस लाइक नारायण फ्रॉम नर. कोई कहे ये कैसे हो सकता है. कि इसी जन्म में हम मनुष्य से देवता बन जाएंगे. समवन में से हाउ कैन दिस बी पॉसिबल दैट वी विल बिकम अ डीटी फ्रॉम अ ह्यूमन बीइंग इन दिस वेरी बर्थ. भक्ति मार्ग में तो जन्म जन्म अंतर साथ करते हैं. इन द पाथ ऑफ भक्ति दे से इट इज आफ्टर मेकिंग पुरुषार्थ स्पिरिचुअल एफर्ट फॉर मेनी बर्थ्स. तब कहीं एक जन्म जाकर के 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का मिलता है. दैट वी रिसीव वन बर्थ एज अ ह्यूमन बीइंग आफ्टर पासिंग थ्रू 84 लाख स्पीशीज. फिर मनुष्य जन्म में पुरुषार्थ करते हैं तो नरसी नारायण बन सकते हैं. देन इफ वी मेक पुरुषार्थ इन द ह्यूमन बर्थ वी कैन बिकम नारायण फ्रॉम नर. कोई पक्का नहीं है कि सब बन ही जाए. इट इज इंट डेफिनेट दैट एवरी वन विल बिकम दैट. यहाँ बाप कहते हैं. हियर द फादर सेज. मैं जो दुनिया स्थापन करता हूँ उस दुनिया में सब नर नारायण होंगे. इन द वर्ल्ड विच आई एस्टैब्लिश ऑल नर दैट इज मेन विल बी नारायण. ऐसे नहीं बनेंगे नर नारायण. दे विल नॉट बिकम नारायण फ्रॉम नर जस्ट लाइक दैट. कि डॉक्टर इस जन्म में पढ़े और उनसे कह दिया जाए अगले जन्म में तुम डॉक्टर बन जाना. इफ समवन स्टडीड द स्टडी ऑफ अ डॉक्टर इन दिस बर्थ एंड ही इज टोल्ड टू बिकम अ डॉक्टर इन द नेक्स्ट बर्थ. ऐसी डॉक्टर की पढ़ाई कोई पढ़ेगा. विल एनी वन स्टडी सच अ स्टडी टू बिकम अ डॉक्टर. समवन सेड नो. इंजीनियर इंजीनियरिंग के लिए पढ़ाई पढ़ता है. एन इंजीनियर स्टडीज टू लर्न इंजीनियरिंग. पढ़ाने वाला भी इंजीनियर होता है. द वन हु टीचेस
is also an engineer. और पढ़ने वाला भी इंजीनियर बनता है. And the one who studies also becomes an engineer. यहाँ पढ़ाने वाला कहता है मैं इंजीनियर नहीं हूँ, मैं डॉक्टर नहीं हूँ. The one who teaches here says, I am neither an engineer nor a doctor. मैं नारायण जैसा देवता भी नहीं हूँ. Nor am I a deity like Narayan. Yeah? What? मैं नारायण जैसा देवता भी नहीं हूँ. I am not a deity like Narayan either. मैं तो सिर्फ नरसे नारायण बनने वाली आत्मा में प्रवेश करता हूँ. I just enter the body of the soul who becomes Narayan from Nar. किसमें प्रवेश करता हूँ? In whom do I enter? जो इस सच्ची रूपी रंगमंच का हीरो पार्टधारी. I enter the hero actor of the stage-like world. अब हीरो होगा तो हीरोइन भी होगी कि नहीं होगी? Well, if there is a hero, will there also be a heroine or not? नहीं होगी. जरूर होगी. Will there not be one? Students, there will be. There will definitely be one. तो इस शक्ति रूपी रंगमंच के दो आत्माएं प्रसिद्ध हैं हीरो हीरोइन के रूप में. So, two souls of this stage-like world are famous as the hero and the heroine. एक राम और एक कृष्ण. One is Ram and the other is Krishna. राम के बारे में बोला है यज्ञ के आदि में फेल हो गया. As regards Ram, it has been said that he failed in the beginning of the yagya. क्या बोला? What was said? यज्ञ के आदि में फेल हो गया. He failed in the beginning of the yagya. अभी वर्तमान में फेल हो गया या भविष्य में फेल होने वाला है, ऐसा नहीं बोला. It wasn't said he failed now at the present time or he is going to fail in the future. क्या बोला? What was said? आदि में फेल हो गया. He failed in the beginning. अब आदि में? Well, in the beginning. फाइनल परीक्षा में फेल हो गया. Did he fail in the final examination? या तिमाही छमाही परीक्षा में फेल हो गया. Or did he fail in the trimester or half yearly examinations? मासिक परीक्षा में फेल हुआ. Did he fail in the monthly test? फाइनल एग्जाम में फेल हो गया क्या? Did he fail in the final examination? नहीं, फाइनल एग्जाम तो अभी भी नहीं हुआ पूरा. No, the final examination has not taken place even now. फाइनल एग्जाम तो आउट कर दिया बाबा ने. बाबा has disclosed the question of the final examination. प्रश्न आउट कर दिया क्या? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा. He has disclosed the question. What? Nashto moha smritir labdha. That is, conquering all kinds of attachment and regaining the awareness of the self and the father. Iska result abhi tak bhi nikla nahi. Its result hasn't been declared yet. Bale teen seat fix kar rahi hai. Although, three seats have been fixed. Brahma kaun? Who is Brahma? वर्तमान में विष्णु कौन? Who is Vishnu at present? और वर्तमान में शंकर का पार्टधारी कौन? And who is the actor who plays the part of Shankar at present? वो आदि में भी थे. They were present in the beginning as well. तीनों पार्टधारी. All the three actors. क्योंकि बाप कहते हैं शिव बाप. It is because the father Shiv says, मैं अकेला नहीं आता हूँ. I don't come alone. अगर मैं अकेला आता तो मेरी शिव जयंती गाई जाती सिर्फ. Had I come alone, only my Shiv Jayanti would have been praised. Shiv Jayanti, birthday of Shiv. लेकिन मैं कहता हूँ शिव जयंती नहीं कहना चाहिए. But I say, you shouldn't say Shiv Jayanti. क्या कहना चाहिए? What should you say? त्रिमूर्ति शिव जयंती. You should say त्रिमूर्ति शिव जयंती. क्यों? Why? क्योंकि जन्मदिन साकार का मनाया जाता है. It is because is the birthday of a corporeal one celebrated. या निराकार आत्मा का मनाया जाता है. Or of an incorporeal soul celebrated. Everyone said
ऑफ द कॉर्पोरियल वन। निराकार आत्मा जब गर्भ में प्रवेश करती है तो प्रवेश करने के टाइम कोई जन्मदिन मनाया जाता है क्या? इज एनी डे ऑफ द बर्थ सेलिब्रेटेड एट द टाइम व्हेन एन इनकॉर्पोरियल सोल एंटर्स द वूम? समवन सेड नो। जन्मदिन थोड़े साबित होता है। इट इज नॉट प्रूव टू बी अ डे ऑफ द बर्थ। तो ऐसे यज्ञ के आदि में, सो इन द सेम वे इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ, निराकार शिव सुप्रीम सोल तीन मूर्तियों के द्वारा आया तो साथ में। द इनकॉर्पोरियल शिव द सुप्रीम सोल इंडीड केम थ्रू द थ्री पर्सनैलिटीज टूगेदर। इस शक्ति रूपी रंगमंच पर आया लेकिन प्रत्यक्ष नहीं हुआ। ही केम ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड बट वॉजंट रिवील्ड। गुप्त रहा। ही रिमेन्ड हिडन। उसको जन्मदिन नहीं कहेंगे, जयंती नहीं कहेंगे। इट विल नॉट बी कॉल्ड द डे ऑफ द बर्थ, द जयंती। अगर कोई तथाकथित ब्राह्मण शिव जयंती मनाते हैं, इफ एनी सो कॉल्ड ब्राह्मिन्स सेलिब्रेट शिव जयंती, तो वो भक्ति मार्ग वालों की देखा दूनी झूठी शिव जयंती मना लेते। दे सेलिब्रेट अ फॉल्स शिव जयंती बाय इमिटेटिंग द पीपल ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति। जैसे भक्ति मार्ग वाले हजारों साल से शिव जयंती मनाते आए हैं माघ मास की रात्रि में, जस्ट लाइक द पीपल ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति हैव बीन सेलिब्रेटिंग शिव जयंती फॉर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स इन द नाइट ऑफ द मंथ ऑफ माघ, दैट इज जनवरी फेब्रुवरी। ऐसे वो भी मना लेते। दे दैट इज द सो कॉल्ड ब्रह्म कुमार कुमारीज ऑल्सो सेलिब्रेटेड इन द सेम वे। लेकिन वास्तव में शिव जयंती सन 36 में 37 में यज्ञ के आदि में नहीं हुई। बट द एक्चुअल शिव जयंती डिड नॉट टेक प्लेस इन द ईयर 36-37 इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। वो तो सिर्फ सुप्रीम सोल सेवक तीन मूर्तियों के द्वारा आया। एट दैट टाइम शिव द सुप्रीम सोल जस्ट केम थ्रू द थ्री पर्सनैलिटीज। जैसे गर्भ में आत्मा आती है, जस्ट लाइक अ सोल कम्स इन टू द वूम, जन्म नहीं लेती, गुप्त रहती है। इट इज नॉट बॉर्न, इट रिमेन्स हिडन। वो आई हुई शिव सुप्रीम सोल आत्मा काली सृष्टि पर प्रत्यक्ष होती है। वेन इज द सुप्रीम सोल शिव हु केम रिवील्ड इन दिस वर्ल्ड? उसके लिए अव्यक्तवाणी में बता दिया प्रत्यक्षता वर्ष सन 76। अबाउट दैट इट हैज बीन सेड इन द अव्यक्त वाणी द ईयर 76 इज द ईयर ऑफ रेवलेशन। 76 है बाप का प्रत्यक्षता वर्ष। द ईयर 76 इज द ईयर ऑफ द रेवलेशन ऑफ द फादर। बाप का प्रत्यक्षता वर्ष, द ईयर ऑफ द रेवलेशन ऑफ द फादर। अम्मा का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों नहीं कहा? Why wasn't it said the year of the mother's revelation? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों कहा? Why was it said the year of the revelation of the father? अरे बच्चों के सामने पहले माँ प्रत्यक्ष होती है। अरे is the mother revealed in front of the children first? बच्चे जन्म लेते हैं ना? The children are born, aren't they? गुप्त गर्भ में आत्मा प्रवेश करती है, फिर बच्चा जन्म लेता है, तो पहले माँ को पहचानता है या बाप को पहचानता है? द सोल एंटर्स द वूम विच इज हिडन, आफ्टर दैट द चाइल्ड इज बॉर्न, देन डज इट रिकॉग्नाइज द मदर फर्स्ट और डज इट रिकॉग्नाइज द फादर फर्स्ट? माँ को पहचानता है। स्टूडेंट्स, इट रिकॉग्नाइजेज द मदर, इट रिकॉग्नाइजेज द मदर फर्स्ट। तो सन 76 बाप का प्रत्यक्षता वर्ष घोषित कर दिया। सो द ईयर 76 वॉज डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ द फादर्स रेवलेशन। माँ का प्रत्यक्षता वर्ष क्यों नहीं घोषित किया? वाई वॉजंट इट डिक्लेयर्ड एज द ईयर ऑफ द मदर्स रेवलेशन? कोई कारण होगा। देर मस्ट बी सम रीजन। क्योंकि बच्चों के सामने माँ तो पहले ही प्रत्यक्ष हो जाती है। इट इज बिकॉज द मदर इज रिवील्ड इन फ्रंट ऑफ द चिल्ड्रन ऑलरेडी बिफोर। बच्चे ने जन्म लिया और जन्म लेते ही दूध ढूंढने लगता है।
A baby is born, and as soon as it is born, it starts searching for milk. पहली प्राप्ति ज्ञान दुग्ध की माँ से होती है. The child receives the first attainment of the milk of knowledge from the mother. बच्चे का जन्म माँ से होता है. The child is born from the mother. बच्चा माँ को स्वतः ही पहचान लेता है. The child recognizes the mother automatically. तो ब्राह्मणों की दुनिया में भी ब्रह्मा. So in the world of Brahmins as well, ब्रह्मा. नाम क्या पड़ा? सृष्टि की बड़ी माँ. ब्रह्मा ने बड़ी माँ माने माँ. What name was given? The senior mother of the world. Brahm means senior and Ma means mother. शास्त्रों में जितने भी नाम हैं, वो काम के आधार पर नाम पड़े. However many names are mentioned in the scriptures, they were given on the basis of the work done. ऐसा एक भी नाम नहीं है जो काम के आधार पर नाम न पड़ा हो. There isn't even a single name which was not given on the basis of the work done. तो ब्रह्मा नाम जो पड़ा है. So the name Brahma that was given. वो भी उनके काम के आधार पर पड़ा. It was also given on the basis of the work done by him. क्या काम किया? What work did he do? माँ के द्वारा ब्राह्मण बच्चों का जन्म हुआ. Brahmin children were born through the mother. ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई. The Brahmin religion was established. स्वर्ग की स्थापना नहीं हुई. Heaven was not established. क्या हुआ? ब्राह्मण धर्म की स्थापना हुई. What happened? The Brahmin religion was established. ब्राह्मणों में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार पवित्रता को पालन करने वाले ब्राह्मण तैयार हुए. Among the Brahmins who practice purity, number wise according to their purusharth, became ready. नंबरवार क्यों कहा? Why was it said number wise? क्योंकि भक्ति मार्ग में भी ब्राह्मणों की नौकरियां नंबरवार गई हुई. It is because in the path of bhakti also, 9 categories of Brahmins are praised number wise. ये कहाँ की यादगार है? संगम युग की यादगार है. When is it the memorial of? It is the memorial of the confluence age. दुनिया में 10 बड़े बड़े धर्म हैं. There are 10 main religions in the world. सूर्यवंशी चंद्रवंशी जो बने हिंदू. सूर्यवंशी, those who belong to the Sun dynasty, and Chandravanshi, those who belong to the Moon dynasty, who became the Hindus. Islam Vanshi, Bodhi Vanshi, Christian Vanshi, adi adi 10 dharma. The Islam Vanshi, those who belong to the Islam dynasty, the Bodhi Vanshi, those who belong to the Buddhist dynasty, the Christian Vanshi, those who belong to the Christian dynasty, etc. In total there are 10 religions. Russia ke nastik dharma tak. Including the atheist religion of Russia. उन 10 धर्मों में से नास्तिक धर्म को निकाल लिया जाए. The atheist religion should be taken out of the 10 religions. क्योंकि वो आस्था नहीं रखता. ना आस्था. इसके ऊपर. Because it doesn't have faith. ना आस्था. In whom? ना भगवान को मानता है. ना आत्मा को मानता है. न स्वर्ग को मानता है न नरक को मानता है. इट नीदर बिलीव्स इन गॉड नॉर डज इट बिलीव इन द सोल. इट नीदर बिलीव्स इन हेवन नॉर डज इट बिलीव इन हेल. महाअहंकारी धर्म है. इट इज अ वेरी इगोइस्टिक रिलीजन. अपने अहंकार के जोश में आकर के एटम बम तैयार कर लेते हैं अपना ही विनाश करने के लिए. इन अ फ्रेंजी ऑफ देयर ईगो दे क्रिएट द एटम बॉम्ब्स फॉर देयर ओन डिस्ट्रक्शन. जो अपना ही विनाश करे और सारी दुनिया का विनाश कर दे. दोज हु ब्रिंग अबाउट द डिस्ट्रक्शन ऑफ देयर वेरी सेल्फ एंड ऑफ द एंटायर वर्ल्ड. उसको प्राप्ति नहीं कही जा सकती. दैट कैनॉट बी कॉल्ड अटेनमेंट. तो एक धर्म को निकाल लिया. देयरफॉर वन रिलीजन वॉज एक्सक्लूडेड. बाकी रह गए नंबरवार 9 धर्म. रिमेनिंग देयर आर 9 रिलीजन्स नंबर वाइज अकॉर्डिंग टू देयर रैंक्स. उन 9 धर्मों के जो 9 मुख्य धर्म पिता हैं. द 9 मेन रिलीजियस फादर्स ऑफ दोज 9 रिलीजन्स. और उन धर्म पिताओं के
जो नौ मुख्य आधार है एंड द नाइन मेन सपोर्ट्स दैट इज रूट सोल्स ऑफ दोज रिलीजियस फादर्स, क्योंकि परमधाम से जो आत्मा आती है धर्म पिताओं की वो पवित्र शरीर में प्रवेश करती है या पवित्र में। इट इज बिकॉज डू द सोल्स ऑफ द रिलीजियस फादर्स दैट कम फ्रॉम द सुप्रीम अबोर्ड एंटर प्योर बॉडीज और इम्प्योर बॉडीज, अपवित्र शरीर में प्रवेश करती है। दे एंटर इम्प्योर बॉडीज, जैसे सुप्रीम सोल शिव भी आता है, जस्ट लाइक व्हेन द सुप्रीम सोल शिव ऑल्सो कम्स, तो इस सच रूपी रंगमंच की पति से पतित आत्मा में प्रवेश करता है। ही एंटर्स द बॉडी ऑफ द मोस्ट सिंफुल सोल ऑफ दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड। क्या बोला? वॉट वॉज सेड? मैं बड़े से बड़े कामी काटे में आकर के उसको बड़े से बड़ा फूल बनाता हूँ, कमल का फूल। आई एंटर द बिगेस्ट लस्टफुल थॉर्न एंड चेंज हिम इन टू द बिगेस्ट फ्लावर द लोटस फ्लावर। कमल का फूल किंग फ्लावर कहा जाता है। द लोटस फ्लावर इज कॉल्ड द किंग फ्लावर। कीचड़ में रहता है, इट लिव्स इन माया, और कीचड़ में रहते हुए भी, बट इन स्पाइट ऑफ लिविंग इन द माया, कीचड़ से पूरा अपराम होकर रहता है। इट रिमेन्स टोटली डिटेच्ड फ्रॉम द मायर। वो उपराम रहने वाली आत्मा शरीरधारी की आत्मा नहीं होती है। द सोल विच रिमेन्स डिटेच्ड इज नॉट द सोल ऑफ अ बॉडीली बींग। किसकी होती है? हूज सोल इज इट? जिस शरीर में वो प्रवेश करता है वो उपराम का पार्ट बन जाती है क्या? Does the body in which he enters play the part of being detached? Someone said no. कौन बजाता है? Who plays the part? वो अभोक्ता है। The one who doesn't seek pleasure plays the part. कौन? Who? Supreme Soul Shiv उसमें उपराम का पार्ट बजाता है। The Supreme Soul Shiv plays the part of being detached in him. जैसे कि ब्रह्मा में बड़ी माँ के रूप में सहन शक्ति का पार्ट किसने बजाया? सुप्रीम सोल ने बजाया। फॉर एग्जाम्पल, हु प्लेड द पार्ट ऑफ टॉलरेंस इन द फॉर्म ऑफ द सीनियर मदर इन ब्रह्मा? डिड द सुप्रीम सोल प्ले दैट पार्ट? या ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल ने बजाया? और डिड ब्रह्मा एलियास द सोल ऑफ कृष्णा प्ले इट? सुप्रीम सोल ने बजाया। द सुप्रीम सोल प्लेड दैट पार्ट। अगर ब्रह्मा उर्फ कृष्ण की सोल में सहन शक्ति का पार्ट होता, हैड देयर बीन द पार्ट ऑफ टॉलरेंस इन ब्रह्मा एलियास द सोल ऑफ कृष्णा, तो पिछले 63 जन्मों में भी वो इतनी सहन शक्ति का उदाहरण देता। ही वुड हैव गिवन द एग्जाम्पल ऑफ सच टॉलरेंस इन द पास्ट 63 बर्थ्स एज वेल। और सारी सृष्टि को सहन शक्ति के आधार पर अपने प्यार में बांध लेता। And would have bound the entire world in his love on the basis of tolerance. लेकिन ऐसा नहीं हुआ। But it didn't happen like this. क्यों? Why? क्योंकि संगम युग में जितने भी गुण हैं ब्राह्मण बच्चों के अंदर, It is because all the virtues that are present in the Brahmin children in the confluence age, और जितनी भी शक्तियां हैं ब्राह्मण बच्चों के अंदर, And all the powers that are present in the Brahmin children, जितनी भी सेवा करने की शक्ति है ब्राह्मण बच्चों के अंदर, whatever power of doing service is present in the Brahmin children, वो किसकी शक्ति है? Whose power is it? है? वो शक्ति सेवा करने की, गुणों की और अनेक प्रकार की शक्तियां धारण करना, ये है किसकी शक्ति? That power of doing service, of the virtues, and the power to assimilate many types of powers, whose specialty is this? Shiva Supreme Soul ki hai. It is of Shiv, the Supreme Soul. Koi koi ahankari bachche hote hain, wo samajhte hain humne seva ki. There are some egoistic children. They think we did the service. Arey, hum to tamo pradhan atma ban chuke. अरे वी हैव बिकम तमो प्रधान सोल्स, हम कहाँ से सेवा करेंगे? हाउ विल वी डू सर्विस?
सतयुग आदि से नीचे गिरते गिरते अब तक हम क्या बन गए? What have we become by now while falling down right from the beginning of the golden age? कौड़ी मिसल बन गए. We have become like a cowrie, that is shell. अब तक भी 70 साल होने जा रहे हैं, अब तक भी कौड़ी याद आती रहती है. 70 years are nearly complete. We keep remembering the cowrie even now. और फिर कोई कहे कि हम तो पवित्र बन गए. And then if someone says we have become pure. हम देवता बन गए. We have become deities. तो ये अहंकार नहीं है तो क्या है? Then what is it if it is not ego? Student said something. नहीं. No. इस समय हम बच्चों के द्वारा जो भी सेवा हो रही है. Whatever service is being done by us children at this time. और सेवा का फल निकल रहा है. And the fruit that the service is bearing. वो बाप दादा की सोल प्रवेश करके हमारे अंदर कार्य कर रही है. It is the soul of बाप दादा who is working in us after entering to enable us to do it. हम वो कार्य नहीं करते. We don't do that work. दृष्टि की पावर किसी जिज्ञासु को देनी होती है. If the power of दृष्टि has to be given to some student. तो वो सुप्रीम सोल ही दे रहा है. Then it is the supreme soul himself who is giving it. उसकी दृष्टि से ही मनुष्य की सृष्टि सुधरेगी. The transformation of the world of the human beings will take place only through his drishti, that is vision. मनुष्य आत्माओं की दृष्टि तो पतित और गलीज है. The drishti of the human souls is sinful and dirty. मूत से पैदा हुआ आदमी सृष्टि को नहीं सुधार सकता. A human being born from urine cannot reform the world. दृष्टि से सृष्टि सुधरती है. The world is reformed through drishti. लेकिन कलयुगी मनुष्यों की दृष्टि से सृष्टि नहीं सुधरती. But the world is not reformed through the drishti of the Iron Age human beings. इसलिए मुरली में बोला. That is why it was said in the Murli. कि एक ही पतित पावन है और कोई मनुष्य आत्मा पतितों को पावन बनाने वाली नहीं हो सकती. There is only one purifier of the sinful ones. No other human soul can be the purifier of the sinful ones. एक ही सर्व का सदगति दाता है. There is only the one who brings the sadgati, that is the true liberation of all. और वो कहा जाता है सर्व का सदगति दाता राम. And he is called सर्व का सदगति दाता राम, that is राम the one who brings सदगति to all. क्या? What? किसका नाम लेते हैं? राम. Whose name do they take? They take the name of राम. राम का अर्थ होता है. The meaning of राम is घट घट में याद के रूप में रमण करने वाला. The one who is present everywhere in the form of everyone's remembrance. अब वो निराकार आत्मा शिव के रूप में है. Well, whether that incorporeal soul is in the form of Shiv. क्योंकि सारी सिफ्त तो उसी की है. Because he himself has all the specialities. लेकिन वो निराकार आत्मा इन आँखों से देखने में नहीं आती. But that incorporeal soul is not visible through these eyes. वो ज्ञान के तीसरे नेत्र से उसको पहचाना जा सकता है. He can be recognized through the third eye of knowledge. किसको? Who? भगवान. God. भगवान इन आँखों से देखने की चीज नहीं है. God cannot be seen through these eyes. भगवान जो है वो सिर्फ ज्ञान के आधार पर पहचाना जा सकता है. God can be recognized only on the basis of knowledge. पहले ज्ञान आता है. Knowledge comes first. और बाद में ज्ञान दाता आता है. And the giver of knowledge comes later. ज्ञान दो प्रकार का होता है. Knowledge is of two types. जैसे बच्चों को छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दिया जाता है. For example, when small children are given knowledge. तो प्राइमरी स्कूल में जूनियर हाई स्कूल में वो बेसिक नॉलेज समझते. They study the basic knowledge in the primary schools, junior high schools. वो बेसिक नॉलेज सिर्फ रटने रटने तक सीमित रहती है. That basic knowledge is limited only to learning it by heart. उसमें गहराई का अर्थ
आजकल छोटे छोटे बच्चे नहीं समझते. द स्मॉल चिल्ड्रन डू नॉट अंडरस्टैंड द डीप मीनिंग्स कंटेन्ड इन देम. और वो बेसिक नॉलेज माँ भी घर में बैठ करके दे सकती है. एंड द मदर कैन ऑल्सो गिव दैट बेसिक नॉलेज एट होम. उसके लिए कोई बड़े कॉलेज में जाने की जरूरत नहीं है. देर इज नो नीड टू गो टू सम बिग कॉलेज फॉर दैट. तो ऐसे ही नंबरवार ब्राह्मण बच्चों को. सिमिलरली द ब्राह्मिन चिल्ड्रन ऑल्सो रिसीव्ड नंबर वाइज दैट इज अकॉर्डिंग टू देयर मेरिट. ब्रह्मा बाबा के द्वारा माँ के रूप में स्नेह भी मिला. अफेक्शन फ्रॉम ब्रह्मा बाबा इन द फॉर्म ऑफ द मदर. माँ ने सहन शक्ति पूर्वक बच्चों की पालना की. द मदर सस्टेन्ड द चिल्ड्रन टॉलरेंटली. और बेसिक ज्ञान रूपी ज्ञान दूध दिया. एंड गेव देम द मिल्क ऑफ नॉलेज इन द फॉर्म ऑफ द बेसिक नॉलेज. बच्चे उन महावाक्यों को सुनते हैं. द चिल्ड्रन लिसन टू दोज ग्रेट वर्जन्स. दूसरों को सुनाते हैं. नरेट देम टू द अदर्स. लेकिन उनका गुह्यार्थ क्या है वो नहीं जानते. बट डू नॉट अंडरस्टैंड इट्स डीप मीनिंग्स. वैसे इशारा बाबा देते मुरली में. दो बाबा गिव्स अ हिंट इन द मुरली. गुह्यते गुह्य राज सुनाता हूँ. आई नरेट द डीपेस्ट सीक्रेट्स. क्या वॉट वो संस्कृत की गीता में भी लिखा हुआ है. गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम. इट इज रिटन इन दैट संस्कृत गीता एज वेल. गुह्यात् गुह्यतरम ज्ञानम दैट इज आई गिव द डीपेस्ट नॉलेज. इसका मतलब बेसिक नॉलेज है गुह्य नॉलेज. इट मीन्स दैट द बेसिक नॉलेज इज डीप नॉलेज. और उससे भी गुह्य नॉलेज कोई और है. एंड देर इज अ नॉलेज विच इज डीपर देन दैट टू. जिसे अव्यक्त वाणी में बताया गया एडवांस नॉलेज. विच हैज बीन मेंशन्ड इन द अव्यक्त वाणी एज द एडवांस नॉलेज. एडवांस पार्टी. द एडवांस पार्टी. तो वो ज्ञान चाहे बेसिक नॉलेज का हो और चाहे एडवांस नॉलेज का हो. सो वेदर दैट नॉलेज इज द बेसिक नॉलेज और द एडवांस नॉलेज. वो ज्ञान इस सृष्टि पर सुनाया जाएगा. विल दैट नॉलेज बी नरेटेड इन दिस वर्ल्ड. या कोई ऊपर के लोक में सूक्ष्म बतन में सुनाया जाएगा. और विल इट बी नरेटेड इन सम वर्ल्ड अबव इन द सटल वर्ल्ड. स्टूडेंट इन दिस वर्ल्ड. कहते हैं रिते ज्ञानान्न मुक्ति. बिना ज्ञान के मुक्ति नहीं हो सकती. इट इज सेड रिते ज्ञानान्न मुक्ति दैट इज द लिबरेशन कांट टेक प्लेस विदाउट नॉलेज. भगवान आता है तो भक्ति का फल ज्ञान देता है. व्हेन गॉड कम्स ही गिव्स द फ्रूट ऑफ भक्ति दैट इज नॉलेज. तो जो ज्ञान का फल दिया. सो द फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ द नॉलेज विच ही गेव. वो ज्ञान का फल इस साकार सृष्टि पर देगा. विल ही गिव दैट फ्रूट इन द फॉर्म ऑफ नॉलेज इन द कॉर्पोरियल वर्ल्ड. साकार मनुष्यों का कल्याण करेगा ना. ही विल ब्रिंग बेनिफिट टू द कॉर्पोरियल ह्यूमन बीइंग्स वोंट ही. या सूक्ष्म बतनवासी फरिश्तों का कल्याण करेगा. और विल ही ब्रिंग बेनिफिट टू द एंजल्स ऑफ द सटल वर्ल्ड. अरे वो तो है ही फरिश्ते. अरे दे आर एंजल्स एनी वे. फरिश्तों को तो लक्ष्य लेने की बात ही नहीं. देर इज नो क्वेश्चन ऑफ द एंजल्स टेकिंग अ गोल एट ऑल. उनके लिए तो कह दिया जिनका फर्श की दुनिया वालों से कोई रिश्ता नहीं. उनका नाम फरिश्ता. इट वॉज सेड अबाउट देम दोज हु डू नॉट हैव एनी रिलेशनशिप दैट इज रिश्ता विद द पीपल ऑफ द अर्थली वर्ल्ड आर कॉल्ड फरिश्ता मीनिंग एंजल्स. तो जो आत्माएं बेसिक नॉलेज में परिपक्व होकर के ब्राह्मणों की दुनिया में शरीर छोड़ती जा रही है. Therefore, the souls who are leaving their bodies in the world of Brahmins after becoming perfect in the basic knowledge. ब्राह्मणों की दुनिया से मोह उनका नष्ट हो गया साकार संबंधियों से देह और देह के संबंधियों से वो फरिश्ता बनती जा रही. And whose attachment to the world of Brahmins, to the corporeal relatives, to the body and the bodily relations was broken are becoming angels. लेकिन उन फरिश्ताओं को ज्ञान देने के लिए भगवान इस सृष्टि पर नहीं आता. But God doesn't come to this world
टू गिव नॉलेज टू दोज एंजल्स. फरिश्ते पतित होते हैं या पावन होते हैं? है? पावन होते हैं. आर द एंजल्स इम्प्योर और प्योर? स्टूडेंट्स प्योर, दे आर प्योर. ये फरिश्ते तो दूसरे धर्म वालों में भी गाए जाते हैं. दीज एंजल्स आर प्रेज्ड अमंग द पीपल ऑफ द अदर रिलीजन्स टू. भारतवासी फरिश्तों का गायन नहीं करते, पूजन नहीं करते. द भारतवासीज रेजिडेंट्स ऑफ इंडिया डोंट प्रेज द एंजल्स, दे डोंट वर्शिप देम. भारतवासी किसकी पूजा करते हैं? हु डू द भारतवासीज वर्शिप? देवताओं की पूजा करते हैं. दे वर्शिप द डीटीज. देवताएं साकार हुए हैं. द डीटीज वर प्रेजेंट इन अ कॉर्पोरियल फॉर्म, इसलिए उनके चित्र साकार में मिलते हैं. विच इज वाई देयर पिक्चर्स आर प्रेजेंट इन द कॉर्पोरियल फॉर्म. उन चित्रों का नाम दिया जाता है मूर्ति. बीच में कानाफूसी तो नहीं करना चाहिए. दोज पिक्चर्स आर नेम्ड मूर्ति, दैट इज आइडल्स. टू सम स्टूडेंट्स, यू शुडंट गॉसिप इन बिटवीन. जो भी फरिश्ते हैं वो फर्श की दुनिया में आते तो हैं मनुष्यों का कल्याण करने के लिए. ऑल द एंजल्स सर्टनली कम टू द अर्थली वर्ल्ड इन ऑर्डर टू ब्रिंग बेनिफिट टू द ह्यूमन बींग्स. लेकिन फर्श की दुनिया वालों से उनका कोई लगाव नहीं होता. बट दे डोंट हैव एनी अटैचमेंट फॉर द पीपल ऑफ द अर्थली वर्ल्ड. जैसे कोई माँ होती है ज्ञान में चलती है, उनके बच्चे ज्ञान में नहीं चलते तो अंदर से कितनी फपफपाहट होती है. फॉर एग्जाम्पल, अ मदर शी फॉलोज द पाथ ऑफ नॉलेज एंड हर चिल्ड्रन डोंट फॉलो द नॉलेज, देन शी फील्स सो कंसर्न फ्रॉम विद इन. कि मेरे बच्चे मेरा पति ज्ञान में चल जाए. थिंकिंग लेट माई चिल्ड्रन माई हस्बैंड फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज. इस तरह का मोह उन फरिश्ताओं में नहीं होता. दिस टाइप ऑफ अटैचमेंट इज नॉट प्रेजेंट इन दोज एंजल्स. चलेंगे तो उनकी पूर्वजन्म की प्रारब्ध. दे विल थिंक इफ दे फॉलो द पाथ ऑफ नॉलेज देन इट इज द फ्रूट ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ. नहीं चलेंगे तो उनका पूर्वजन्मों का हिसाब किताब. एंड इफ दे डोंट फॉलो इट देन इट इज द अकाउंट्स ऑफ देयर प्रीवियस बर्थ्स. क्योंकि वो जानते हैं बनी बनाई बन रही है, वो कछु बन नहीं है. इट इज बिकॉज दे दैट इज द एंजल्स नो बनी बनाई बन रही अब कछु बननी नाए, दैट इज व्हाटएवर इज हैपनिंग इज प्रीडेस्टिन्ड एंड नथिंग न्यू इज गोइंग टू हैपन नाउ. क्या? व्हाट? जो कुछ भी हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं, व्हाटएवर पुरुषार्थ वी आर मेकिंग नाउ, और उस पुरुषार्थ की जो भी प्राप्ति होनी है एंड व्हाटएवर फ्रूट दैट पुरुषार्थ विल बेयर, वो सब कुछ ड्रामा में मिलता है. एवरीथिंग इज फिक्स्ड इन द ड्रामा. इसमें चिंता करने की और खुशी में आने की कोई बात नहीं. देयर इज नो क्वेश्चन ऑफ वरिंग और बिकमिंग हैप्पी अबाउट इट. तो फरिश्तों को ज्ञान नहीं है देने के लिए. सो द नॉलेज इज नॉट मेंट टू बी गिवन टू द एंजल्स. भगवान तो ज्ञान पतितों को आकर के देता है. इन फैक्ट गॉड कम्स एंड गिव्स द नॉलेज टू द सिनफुल वंस. और पतित सूक्ष्म बतन में होंगे. एंड विल द सिनफुल वंस be present in the subtle world? फरिश्तों की दुनिया में होंगे. Will they be present in the world of the angels? या इस साकारी सृष्टि पर पतित मनुष्य होंगे. Or will there be sinful people in this corporeal world? साकारी सृष्टि पर पतित मनुष्य होते. Sinful people are present in the corporeal world. साकारी सृष्टि मनुष्य सृष्टि पर पतितों को पावन बनाने के लिए परमात्मा को आना पड़ता है. The supreme soul has to come to the corporeal world, the human world, in order to purify the sinful ones. 20 baar ye baat murliyon mein aati rehti hai. This topic comes in the murlis about 20 times. Kya? What? Main kis liye aata hu? For what do I come? Gyan sunane ke liye. Do I come to narrate the knowledge? Are gyan sunana wo to sadhan hai. Are to narrate the knowledge is just a means to an end. क्या? What? ज्ञान सुनाना वो तो साधन है. To narrate the knowledge is just a means to an end. लक्ष्य नहीं है. It is not the aim. लक्ष्य है पतितों को पावन बनाना.
द एम इज टू प्यूरिफाई द सिंपल वंस। तो जो पतित मनुष्य आत्माएं बन चुकी है उन पतित मनुष्य आत्माओं को पावन देवता बनाने के लिए परमात्मा इस धरती पर आया हुआ। सो दोज हु हैव बिकम सिंपल ह्यूमन सोल्स, द सुप्रीम सोल हैज कम टू दिस वर्ल्ड टू ट्रांसफॉर्म दोज सिंपल ह्यूमन सोल्स इनटू प्योर डीटीज। जो पावन देवता नहीं बनते, दोज हु डू नॉट बिकम प्योर डीटीज, पूरी पढ़ाई नहीं पढ़ते, दोज हु डू नॉट स्टडी द कम्प्लीट स्टडी, सिर्फ फरिश्ता बन करके रह जाते, दोज हु बिकम एंजल्स एंड जस्ट रिमेन सो, तो वो भगवान की बनाई हुई नई शक्ति सतयुग त्रेता में नहीं आ सकते। दे कैनॉट कम इन द न्यू वर्ल्ड क्रिएटेड बाय गॉड, दैट इज द गोल्डन एज एंड द सिल्वर एज। माने व्हाट डज इट मीन? ब्राह्मणों की दुनिया में कृष्ण की सोल हो, वेदर इट इज द सोल ऑफ कृष्णा इन द ब्राह्मण वर्ल्ड, भाऊ विश्व किशोर की सोल हो, वेदर इट इज द सोल ऑफ भाऊ विश्व किशोर, मम्मा की आत्मा हो, द सोल ऑफ मम्मा, मनमोहिनी दीदी की आत्मा हो, द सोल ऑफ दीदी मनमोहिनी, चंद्रमणि दादी की आत्मा हो, द सोल ऑफ दादी चंद्रमणि, जो भी आत्माएं बेसिक नॉलेज में परिपक्व स्टेज धारण करके शरीर छोड़ रही है, ऑल द सोल्स हु आर लीविंग देयर बॉडीज आफ्टर अटेनिंग अ परफेक्ट स्टेज इन द बेसिक नॉलेज, नष्टो मोहा होकर के साकार शरीरधारियों के साथ, आफ्टर बिकमिंग नष्टो मोहा दैट इज डिटैच्ड विद द कॉर्पोरियल बॉडीली बीइंग्स, न लोहे की जंजीर और न सोने की जंजीर, हु हैव नीदर द चेन्स ऑफ आयरन नॉर द चेन्स ऑफ गोल्ड, वो सब मनुष्य आत्मा है, उनको सबको पढ़ाई पढ़नी है, ऑल दोज ह्यूमन सोल्स हैव टू स्टडी द नॉलेज, उनकी पढ़ाई पूरी नहीं हुई है, बेसिक नॉलेज की पढ़ाई पूरी हुई, देयर स्टडी इज नॉट कम्प्लीट, देयर स्टडी ऑफ द बेसिक नॉलेज इज कम्प्लीट, लेकिन एडवांस नॉलेज की पढ़ाई पूरी नहीं हुई, बट देयर स्टडी ऑफ द एडवांस नॉलेज इज नॉट कम्प्लीट, भले एडवांस पार्टी में चली गई, ऑल्दो दे वेंट टू द एडवांस पार्टी, चली गई का मतलब कोई ऊपर नहीं है सिर्फ, दे वेंट डजंट मीन दैट दे आर जस्ट प्रेजेंट समवेयर अबव, वो इस सृष्टि पर साकार सृष्टि पर साकार मनुष्यधारियों में प्रवेश करके पार्ट बजाई गई, दे आर प्लेइंग अ पार्ट आफ्टर एंटरिंग द कॉर्पोरियल ह्यूमन बीइंग्स इन दिस वर्ल्ड द कॉर्पोरियल वर्ल्ड, जैसे सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करके पार्ट बजाता है, जस्ट लाइक द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स एंड प्लेज अ पार्ट, वैसे ही इन द सेम वे वो फरिश्ता ही आत्मा है, दोज एंजेलिक सोल्स अभी भी ब्राह्मण बच्चों में प्रवेश करके पार्ट बजा रही है, आर एंटरिंग द ब्राह्मण चिल्ड्रन इवन नाउ एंड प्लेइंग अ पार्ट, कोई कहे प्रूफ क्या है, समवन में से व्हाट इज द प्रूफ ऑफ दिस, तो प्रूफ तो बाबा की वाणी से ही मिल रहा है, देन वी आर गेटिंग द प्रूफ फ्रॉम बाबाज वाणी इटसेल्फ, ब्रह्मा दादा लेख राज को जो कृष्ण की सोल है, इज ब्रह्मा दादा लेख राज हु इज द सोल ऑफ कृष्णा, उसको सूर्य का टाइटल दिया है या चंद्रमा का टाइटल दिया, गिवन द टाइटल ऑफ सूर्य द सन और ऑफ चंद्रमा द मून, वो ज्ञान चंद्रमा है, ही इज द मून ऑफ नॉलेज, ज्ञान की शीतल किरणें फैलाई है, ही हैज स्प्रेड द कूल रेज ऑफ नॉलेज, ज्ञान सूर्य के रूप में तलखीला और तीखा पार्ट नहीं बजाया, ही डिंट प्ले अ स्ट्रिक्ट एंड अ शार्प पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द सन ऑफ नॉलेज, वो ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा अभी संपूर्ण नहीं बना है, दैट मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा हैज नॉट बिकम कम्प्लीट येट, संपूर्ण चंद्रमा जब एक तरफ अस्त होता है, When the full moon sets on one side, तो दूसरी तरफ सूर्य उदय होता है, The sun rises on the other side, अभी न सूर्य उदय हुआ है, Neither has the sun risen now, इस साकार सृष्टि पर अभी ज्ञान सूर्य उदय नहीं हुआ है, सब धर्म वालों के सामने, The sun of knowledge hasn't risen now in this corporeal world in front of the people of all the religions, और न ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा, नॉर हैज द मून ऑफ नॉलेज ब्रह्मा
अभी संपूर्ण पूर्णमासी का चंद्रमा बन है. बिकम अ कम्प्लीट मून ऑफ द फुल मून नाइट. अधूरा चंद्रमा है. ही इज एन इनकम्प्लीट मून. सूक्ष्म शरीर का बंधन उनको अभी भी है. ही स्टिल हैज द बॉन्डेज ऑफ द सटल बॉडी. सूक्ष्म शरीर का बंधन भी था आज करके उस आत्मा को. सोलह कला संपूर्ण देवता बन है. That soul has to end the bondage of the subtle body as well and become a deity complete with 16 celestial degrees. वो देवता तब तक नहीं बन सकती जब तक एडवांस नॉलेज में पूरी पारंगत न हो जाए. He cannot become a deity until he becomes expert in the advanced knowledge. ऊंची पढ़ाई जब तक न पढ़े तब तक ऊंचे से ऊंचा टाइटल नहीं मिल सकता है. He cannot receive the highest title until he studies the highest study. जैसे दुनिया में PCS की पढ़ाई होती है, IAS की पढ़ाई होती है. Just like in this world, there is the study of PCS, Public Service Commission, IAS, Indian Administrative Services. बड़े-बड़े ऑफिसर बनते हैं. By studying which people become big officers. कमिश्नर बनते हैं, कलेक्टर बनते हैं. कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स. तो ऊंची पढ़ाई पढ़कर के बनते हैं ना. सो दे बिकम दैट आफ्टर स्टडिंग हायर स्टडीज, डोंट दे. ऐसे ही परमात्मा बाप शिव भी सृष्टि पर आकर के ऊंचे से ऊंचा विद्यालय खोलता है. इन द सेम वे द सुप्रीम सोल फादर शिव also opens the highest school after coming to this world. इसका नाम है ईश्वरीय विश्वविद्यालय. Its name is ईश्वरीय विश्वविद्यालय, that is University of God. गलती से आदि में इसका नाम रख दिया गया था ओम मंडली. By mistake it was named ओम मंडली in the beginning. ऐसे तो ड्रामा प्लान अनुसार. Anyway, it happened according to the drama plan. लेकिन वो final नाम नहीं था. But it wasn't the final name. शास्त्रों में भी उसकी यादगार है. Its memorial is present in the scriptures as well. शास्त्रों में लिखा है. In the scriptures, it is written. कि ब्रह्मा के मुख से पहला शब्द निकला ओम. The first word which came out of Brahma's mouth was ओम. क्या? ओम. What? ओम. क्यों पहला शब्द निकला ओम? Why did ओम come out as the first word? क्योंकि सृष्टि पर सुप्रीम सोल शिव जब आता है. It is because when the supreme soul Shiv comes to this world. तो ब्रह्मा के मुख से पहले पहले अपने तीन बच्चों को याद करता है. He remembers his three children through Brahma's mouth first of all. आ माने ब्रह्मा. आ मीन्स ब्रह्मा. ऊ माने विष्णु. मा माने महेश. ऊ मीन्स विष्णु. मा मीन्स महेश. ओम. 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 दैट इज ओम. ये उसके तीन प्यारे से प्यारे बड़िल्ले बच्चे हैं. दीज आर हिज थ्री डियरेस्ट एल्डर चिल्ड्रन. जैसे माँ बाप होते हैं ना दुनिया में. जस्ट लाइक देर आर पेरेंट्स इन द वर्ल्ड, आंट देर. तो सभी बच्चों को एक जैसा प्यार देते हैं. सो डू दे लव ऑल द चिल्ड्रन इक्वली. या बड़ों बच्चों की तरफ उनका ज्यादा मोह होता है. और डू दे हैव मोर अटैचमेंट फॉर द एल्डर चिल्ड्रन. समवन सेड दे लव ऑल द चिल्ड्रन इक्वली. दुनिया में सभी बच्चों की तरफ एक ही जैसा प्यार होता है. इन द वर्ल्ड डू द पेरेंट्स हैव इक्वल लव फॉर ऑल द चिल्ड्रन. अच्छा, जो बड़ा बच्चा होता है वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से, लंबे समय की प्योरिटी की पावर से जन्म लेता है. अच्छा, इज द एल्डेस्ट चाइल्ड बॉर्न थ्रू मोर पावर ऑफ प्योरिटी थ्रू अ लॉन्ग टर्म पावर ऑफ प्योरिटी. या जो बाद वाले बच्चे हैं वो ज्यादा प्योरिटी की पावर से जन्म लेते हैं. Or are the children who are born later born with more power of purity? जो पहलौटी के बच्चे होते हैं. The children who are born first. वो ज्यादा पावर से जन्म लेते हैं. Are born with more power of purity.
सारे जीवन की प्योरिटी, द प्योरिटी ऑफ द एंटायर लाइफ, पहले उठी के बच्चों में आ जाती है, गोज इन द चिल्ड्रन हु आर बॉर्न फर्स्ट। कभी कभी ऐसा होता है कि दो बच्चे इकट्ठे जन्म ले लेते, समटाइम्स इट हैपेंस दैट टू चिल्ड्रन आर बॉर्न टुगेदर, होता है ना? इट हैपेंस लाइक दिस, डजंट इट स्टूडेंट्स? इट हैपेंस ऐसे यहाँ भी है, हियर टू इट इज द सेम केस। ये तीन बच्चे ऐसे हैं शिव के, दीज थ्री चिल्ड्रन ऑफ शिव आर सच, जो एक साथ जन्म लेते हैं, दैट दे आर बॉर्न टुगेदर, एक साथ सृष्टि रूपी रंगमंच पर सुप्रीम सोल शिव उनके साथ आता है। द सुप्रीम सोल शिव कम्स टुगेदर विद देम ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड। ब्रह्मा, विष्णु और शंकर, ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर, उनमें तड़के दिखाई दिए हैं तीन वतन में। दे हैव बीन शोन इन थ्री स्टेजेस इन द पिक्चर ऑफ द थ्री वर्ल्ड्स। तीन सूक्ष्म वतन है ना? देर आर थ्री पार्ट्स इन द सटल वर्ल्ड, आंट देर? उनमें तड़के दिखाई दिए, स्टेजेस हैव बीन शोन इन देम। भले जुड़वा बच्चे पैदा होते हैं, फिर भी एक के बाद एक पैदा होते हैं कि दोनों इकट्ठे पैदा हो जाते? ऑल्दो ट्विन्स आर बॉर्न, आर दे बॉर्न वन आफ्टर द अदर और आर बोथ ऑफ देम बॉर्न टुगेदर? एक एक समवन सेड दे आर बॉर्न वन आफ्टर अनदर। एक एक सेकंड का अंतर तो होगा ना? देर विल सर्टनली बी अ डिफरेंस ऑफ अ सेकंड, वोंट देर? तो ऐसे ही सुप्रीम सोल शिव भी सृष्टि पर आता है। सो सिमिलरली व्हेन द सुप्रीम सोल शिव कम्स इन दिस वर्ल्ड, तो जो ज्ञान का बीज रोपण करता है, द सीड ऑफ नॉलेज विच ही सोज, सुप्रीम सोल शिव, द सुप्रीम सोल शिव ज्ञान का बीज रोपण करेगा या भक्ति का बीज रोपण करेगा? विल ही सो द सीड ऑफ नॉलेज और विल ही सो द सीड ऑफ भक्ति? एवरीवन सेड ही सोज द सीड ऑफ नॉलेज, पहले भक्ति। समवन सेड फर्स्ट ही विल सो द सीड ऑफ भक्ति, भगवान आकर के भक्ति का बीज रोपण करेगा। विल गॉड कम एंड सो द सीड ऑफ भक्ति, अगर भगवान आकर के भक्ति का बीज रोपण करे, इफ गॉड कम्स एंड सोस द सीड ऑफ भक्ति, तो मुरली में यो क्यों कहा? देन व्हाई डिड ही से इन द मुरली कि भक्ति रावण से आती है, भक्ति कम्स फ्रॉम रावण, और ज्ञान राम भगवान से आता है, एंड नॉलेज कम्स फ्रॉम गॉड राम? तो जैसे ही सुप्रीम सोल शिव प्रवेश करता है, सो एज सून एज द सुप्रीम सोल शिव एंटर्स, तो ज्ञान का बीज आरोपण करता है, ही सोज द सीड ऑफ नॉलेज, और जिस व्यक्ति के द्वारा बीज आरोपण करता है वो पुरुष होता है, एंड द पर्सन थ्रू होम ही सोज द सीड ऑफ नॉलेज इज अ मैन। क्या? वॉट? ज्ञान का बीज आरोपण करने वाला पुरुष होता है, कोई स्त्री चोला नहीं होता। इट इज अ मैन हु सोज द सीड ऑफ नॉलेज, इट इज नॉट अ फीमेल बॉडी। पुरुष के द्वारा ज्ञान का बीज आरोपण करता है, ही सोज द सीड ऑफ नॉलेज थ्रू अ मैन, इसलिए उसको पिता कहा जाता है, दैट इज व्हाई ही इज कॉल्ड द फादर, दैट इज पिता। भक्ति मार्ग का जो प्रसिद्ध शास्त्र है गीता, उसमें भी लिखा है आम बीज प्रथम पिता। इट इज ऑल्सो रिटन इन द फेमस स्क्रिप्चर ऑफ द पाथ ऑफ भक्ति, दैट इज द गीता, अहम बीज प्रदह पिता। क्या? वॉट? मैं इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर सृष्टि रूपी वृक्ष का बीज रोपण करने वाला पिता हूँ। आई एम द फादर हु सोज द सीड ऑफ द ट्री लाइक वर्ल्ड ऑन दिस स्टेज लाइक वर्ल्ड। ज्ञान का बीज मैं बोता हूँ। आई सो द सीड ऑफ नॉलेज। तो यज्ञ के आदि में ज्ञान का बीज बोया। सो ही सोड द सीड ऑफ नॉलेज इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ। उस ज्ञान के बीज को किसने धारण किया और निभाया मृत्यु पर्यंत तक? हु असिमिलेटेड दैट सीड ऑफ नॉलेज एंड सपोर्टेड इट टिल डेथ? और कौन बीच में चला गया? एंड हु वेंट अवे इन बिटवीन? क्या? वॉट? तीन मूर्तियों के साथ तो आता हूँ,
आई सर्टनली कम अलोंग विथ द थ्री पर्सनैलिटीज. लेकिन तीन मूर्तियों में, बट अमंग द थ्री पर्सनैलिटीज, किसने उस ज्ञान के बीज को धारण किया? हु असिमिलेटेड दैट सीड ऑफ नॉलेज, और धारण करके अंत तक मृत्यु पर्यंत तक निभाया. एंड गेव सपोर्ट टिल द एंड, टिल डेथ आफ्टर असिमिलेटिंग इट. वो कौन था? Who was it? Someone said something. कौन? Who? Someone said Brahma. 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 Someone said something. Shiv. Shiv. Someone said Baba. Shiv Baba. Shiv Baba. Someone said Dada Lekh Raj. Dada Lekh Raj. दादा लेखराज. समवन सेड प्रजापिता. प्रजापिता ने धारण किया. डिड प्रजापिता असिमिलेट इट? वो शरीर छोड़ के नहीं चला गया. डिड ही लीव द बॉडी एंड गो अवे? अ स्टूडेंट ही वेंट अवे लीविंग द बॉडी. यज्ञ के आदि में बताया. In the beginning of the yagya, it was said कि राम बाप को कहा जाता है और कृष्ण बच्चे को कहा जाता है. The father is called Ram and the child is called Krishna. कभी ये मुरली में बोला? Was it ever said in the Murli कि राम बच्चे को कहा जाता है, कृष्ण बाप को कहा जाता है? That the child is called Ram and the father is called Krishna? Students, no. कृष्ण बच्चा है और राम बाप है. कृष्णा इज द चाइल्ड एंड राम इज द फादर. माने सृष्टि के आदि में राम की भी आत्मा थी और कृष्ण की भी आत्मा थी. इट मीन्स इन द बिगिनिंग ऑफ द वर्ल्ड द सोल ऑफ राम वॉज प्रेजेंट एज वेल एज द सोल ऑफ कृष्णा वॉज प्रेजेंट. पहले बाप होगा या पहले बच्चा होगा? विल द फादर बी फर्स्ट और विल द चाइल्ड बी फर्स्ट? पहले बाप होता है. द फादर विल बी फर्स्ट. बाप होगा तो बाप के साथ माता भी होनी चाहिए. इफ देर इज द फादर द मदर शुड ऑल्सो बी विथ हिम. माता एक परिवार में दो होती है. देर आर टू मदर्स इन अ फैमिली. एक बड़ी अम्मा, एक दादी अम्मा और एक छोटी अम्मा. वन इज द सीनियर मदर द ग्रैंड मदर एंड द अदर इज द जूनियर मदर. तो जब त्रिमूर्ति बाप आते हैं तो भी ये तीन आत्माएं मौजूद थी. सो दीज थ्री सोल्स वर प्रेजेंट व्हेन द त्रिमूर्ति फादर केम. बल ब्रह्मा को साक्षात्कार हुए. ऑल्दो ब्रह्मा हैड विजन्स. लेकिन साक्षात्कारों से वो कुछ समझ नहीं सके, ऐसी बात मुरली में आई. ही कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग थ्रू द विजन्स. दिस हैज बीन मेंशनड इन द मुरली. वो मुझ गए. ही बिकेम कन्फ्यूज्ड. अपने गुरु से पूछने लगे. ही स्टार्टेड आस्किंग हिज गुरु. सत्संग वाले गुरु से. द गुरु इन द सत्संग रिलीजियस गैदरिंग. इनका अर्थ बताओ, क्या मतलब है? टेल मी द मीनिंग्स ऑफ दीज विजन्स. व्हाट डू दे मीन? गुरु मुझ गया. द गुरु बिकेम कन्फ्यूज्ड. गुरु से कहा तुम चलते बनो. ही आस्क्ड द गुरु टू लीव. खुद ही उसको छोड़ करके वाराणसी में आ गए. ही हिमसेल्फ लेफ्ट हिम दैट इज द गुरु एंड केम टू वाराणसी. सोचा? ही थॉट कि बड़े बड़े विद्वान आचार्य जो है वाराणसी में रहते हैं, काशी में. काशी के विद्वान बहुत प्रसिद्ध हैं. बिग स्कॉलर्स एंड टीचर्स लिव इन वाराणसी इन काशी. द स्कॉलर्स ऑफ काशी आर वेरी फेमस. उनसे जाकर पूछ लो. लेट मी गो एंड आस्क देम. तो वहाँ जिस मकान में रहते थे. सो द हाउस इन विच ही लिव्ड देयर. मुरली में आया है कि गोले आदि के चित्र बनाते रहते थे, समझ में कुछ भी नहीं आता था. इट इज सेड इन द मुरली दैट ही यूज्ड टू मेक द पिक्चर्स ऑफ द व्हील एटसेट्रा देयर बट कुडंट अंडरस्टैंड एनीथिंग. और विद्वान आचार्यों से भी पूछा, उनसे कोई जवाब नहीं मिला. एंड ही ऑल्सो आस्क्ड द स्कॉलर्स एंड टीचर्स बट डिडंट गेट एनी आंसर फ्रॉम देम. ये बातें मुरली में आई है कि नहीं आई है? Have these topics come in the Murli or not? Students, they have. They have. फिर? Then? जब वहाँ भी उनको समाधान नहीं मिला.
when he didn't get a solution even there, तो गुरुओं से उनकी पूरी श्रद्धा उठ गई. He lost his faith in the gurus completely. उन्होंने अपने अनुभवी जीवन में in his experienced life, जिस व्यक्ति को सबसे जास्ती होशियार और भोला भाला स्वभाव का सच्चा और साफ दिल व्यक्ति समझा, वो था उनका भागीदार. The person whom he believed to be the most intelligent and simple natured, true and clean hearted was his partner. जिस भागीदार के ऊपर वो अंत समय में अपनी सारी दुकान का बोझ छोड़ करके, the partner on whom he had left the entire responsibility of his shop at the end, और सिंध हैदराबाद में सत्संग में चले गए थे, to go to सिंध हैदराबाद to the सत्संग, कि हम तो सत्संग करेंगे, इस धंधे जोड़ी में हमारा मन नहीं लगता. Saying, I will organize satsangs. I am not interested in this business. ये ज्ञान में आने से पहले की बात है. This is about the time before he came in knowledge. इसलिए मुरली में बोला. That is why it was said in the Murli. कि 10 वर्ष से रहने वाला. He who stayed together with Brahma Baba for 10 years. माना कोई व्यक्ति था. It means there was a person. जो बाबा के ज्ञान में आने से पहले ही 10 वर्ष से उनकी दुकान में काम करता था. Who used to work in Baba's shop for 10 years prior to Baba coming in knowledge itself. 10 वर्ष से साथ में रहने वाला. He who stayed together with Brahma Baba for 10 years. फिर बोला ध्यान में जाती थी. Then it was said she used to go into trance. मम्मा बाबा को ड्रिल कराती थी. She used to make Mamma and Baba perform the drill. टीचर बन करके बैठती थी. She used to sit as the teacher. हम समझते थे. We thought. हम माने कौन? मम्मा बाबा. We means who? मम्मा बाबा. मम्मा बाबा समझते थे कि ये तो बहुत ऊंचा नंबर में आवेंगे. मम्मा बाबा thought they will receive a very high number, that is position. वो बच्चे भी आज यज्ञ में है नहीं. Even those children are not present in the yagya today. कहाँ चले गए? Where did they go? कहाँ चले गए? Fail हो गए. Where did they go? They failed. वो बच्चे fail हो गए. Those children failed. Fail हो गए? माना final में fail नहीं हो गए? They failed. It doesn't mean that they failed in the final examination. छमाई तिमाई मासिक परीक्षा में fail हो गए. They failed in the half yearly, trimester or the monthly examinations. अच्छा. अच्छा. Fail हो जाएंगे? या जो fail हो गए, अब उनको कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती? Those who will fail or those who failed, can't they receive any attainments now? Someone said they can. वो संस्कृत की गीता जो विद्वान आचार्य मनुष्यों ने लिखी हुई, उसमें तो लिखा हुआ है. It is indeed written in that Sanskrit Gita which is written by scholars, teachers, human beings. कि ईश्वरीय ज्ञान का कभी विनाश नहीं होता. अच्छा, उसकी गीता की बात छोड़ दो. The knowledge of God is never destroyed. अच्छा, leave aside the subject of that Gita. मुरली में क्या लिखा है इस बारे में? What is written in the Murli regarding this? कि ये अविनाशी ज्ञान है. It is written, this is an indestructible knowledge. इस ज्ञान को जिसने भी एक बार धारण कर लिया, whoever assimilates this knowledge once, वो भले शरीर भी छोड़ जाए, तो भी अगले जन्म में उस ज्ञान की प्रारब्ध उसके साथ जाएगी. Though he leaves his body, the fruit of that knowledge will go with him in his next birth. अंत में वो ब्राह्मण बनकर के आएंगे और लास्ट सो फास्ट जावे. He will come as a Brahmin in the end and go last so fast. That is, fast in spite of coming last. वो ब्राह्मण बने की
प्योरिटी की जो पावर है जो परमात्मा से उन्होंने धारण की वो समाप्त नहीं हो सकती, अविनाशी चीज है। द पावर ऑफ प्यूरिटी ऑफ बिकमिंग अ ब्राह्मिन विच दे असिमिलेटेड फ्रॉम द सुप्रीम सोल कैनॉट फिनिश, इट इज एन इम्पेरिशेबल थिंग। तो वही आत्मा, वही त्रिमूर्ति आदि में जो थी। सो द सेम सोल्स, द सेम थ्री पर्सनैलिटीज हु वर प्रेजेंट इन द बिगिनिंग, जो मम्मा बाबा को ड्रिल कराते थे, हु यूज्ड टू मेक मम्मा बाबा परफॉर्म द ड्रिल, टीचर बनकर के बैठते थे, हु यूज्ड टू सिट एज टीचर्स, मम्मा बाबा समझते थे ये तो बहुत अच्छा नंबर में माला में आवेंगे। मम्मा बाबा यूज्ड टू थिंक दे विल रिसीव अ वेरी गुड नंबर दैट इज पोजिशन इन द रोजरी। फिर बोला वो भी गुम हो गए। देन इट वॉज सेड दे टू वेंट अवे। किस लिए गुम हो गए? वाई डिड दे गो अवे? इसलिए गुम हो गए। दे वेंट अवे बिकॉज कि जो बच्चा था ना, ही वॉज अ चाइल्ड वॉजंट ही, वो कृष्ण बच्चा था उस समय जिसको साक्षात्कार हुए। इट वॉज द चाइल्ड कृष्णा हु हैड विजन्स एट दैट टाइम। वो कृष्ण बच्चा वर्षे का हकदार बनता है। दैट चाइल्ड कृष्णा बिकम्स एन एयर टू द इनहेरिटेंस। यज्ञ के आदि में, इन द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ, क्या स्वर्ग का वर्षा था या ज्ञान का वर्षा था? वॉज देयर द इनहेरिटेंस ऑफ हेवन और वॉज देयर द इनहेरिटेंस ऑफ नॉलेज? काय का वर्षा था? ज्ञान का वर्षा था। Which inheritance was there? There was the inheritance of knowledge. वो ज्ञान का फाउंडेशन ब्रह्मा की सोल में पक्का पक्का पड़ गया। That foundation of knowledge was laid firmly in the soul of Brahma. क्यों? Why? Student said visions. क्योंकि साक्षात्कार उनको हुए थे। It is because it was he who had visions. जिस त्रिमूर्ति के साथ शिव आता है उनको साक्षात्कार नहीं हुए थे। द थ्री पर्सनैलिटीज विथ होम शिव कम्स डिडंट हैव विजन्स। तो जिसको प्रैक्टिकल अनुभव होगा उसकी बुद्धि में ज्यादा गहराई में बात बैठेगी। सो द सब्जेक्ट विल सिट डीपली इन द इंटेलेक्ट ऑफ द वन हु हैज प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस। तो वो तीनों मूर्तियां यज्ञ के आदि में 10 वर्ष के अंदर चली गई। सो All the three personalities went away within 10 years in the beginning of the yagya. कौन? Who? ब्रह्मा की मूर्ति, आदि ब्रह्मा की, विष्णु और शंकर। The personality of Brahma, that is आदि ब्रह्मा, विष्णु and शंकर। तीनों मूर्तियां जाने के बाद क्या हुआ? What happened after all the three personalities went away? ब्रह्मा बाबा माँ के रूप में पार्ट बजाया। ब्रह्मा बाबा प्लेड द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ अ मदर। क्योंकि बेसिक नॉलेज माँ के द्वारा मिलती है। बिकॉज चिल्ड्रन रिसीव द बेसिक नॉलेज फ्रॉम द मदर। वो माँ अंत तक, उसने मृत्यु पर्यंत तक साथ निभाया। दैट मदर गेव सपोर्ट टिल द एंड टिल हर डेथ। और वो वेदवाणी उनके मुख से उच्चारण हुई। And the Vedvanis were narrated through his mouth. क्या? What? वेदवाणी उनके मुख से उच्चारण हुई। The Vedvanis were narrated through his mouth. किनके मुख से? Through whose mouth? ब्रह्मा बाबा के मुख से। Through ब्रह्मा बाबा's mouth. लेकिन जैसे छोटे छोटे बच्चे होते हैं। However, just like there are small children. Primary school में तुलसीदास के दोहे कविता चौपाइयाँ पढ़ते हैं। इन प्राइमरी स्कूल दे रीड द कपलेट्स पोएट्रीज एंड चौपाइया, दैट इज अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ क्वाट्रेन हैविंग 30 मात्रास पर लाइन ऑफ तुलसीदास। सूरदास के कविता पढ़ते हैं, दोहे पढ़ते हैं। दे रीड द पोएट्रीज एंड कपलेट्स ऑफ सूरदास। लेकिन सिर्फ पढ़ते हैं, सुनते हैं, उनका गहराई से अर्थ नहीं जानते। बट दे जस्ट रीड इट एंड लिसन टू इट, दे डोंट नो देयर मीनिंग्स डीपली। उसी तरीके से, इन द सेम वे, न ब्रह्मा बच्चे की बुद्धि में आया, कृष्ण सोल बट ब्रह्मा बच्चा है। इट डिडंट कम इन द इंटेलेक्ट ऑफ द चाइल्ड ब्रह्मा ईदर। द सोल ऑफ कृष्णा
ब्रह्मा इज अ चाइल्ड। मुरली में बोला है इन ब्रह्मा का नाम शिव बाबा ने बेबी रखा है। इट इज सेड इन द मुरली शिव बाबा हैज गिवन द नेम ऑफ दिस ब्रह्मा बेबी। क्या नाम रखा? बेबी। व्हाट नेम वाज गिवन? बेबी। बेबी माने दाढ़ी मूछ वाला बच्चा था वो। What does baby mean? Someone said, a child. A child. The one with beard and mustache, was he a child? अरे उनकी सफेद मूछें हो चुकी थी। अरे his mustaches had turned grey. सफेद बाल हो चुके थे। His hair had turned grey. वो baby था। Was he a baby? क्यों कहा baby? Why was he called a baby? Someone said, he had a childlike intellect. माना जितनी बात शिव बाबा ने उनके मुख से बोल दी बस उतनी ही बात उन्होंने समझी। यस ही अंडरस्टूड ओनली टू द एक्सटेंट शिव बाबा नरेटेड थ्रू हिज माउथ। उसके आगे कुछ भी नहीं समझा। ही डिड नॉट अंडरस्टैंड एनीथिंग बियॉन्ड दैट। इसलिए मुरली में बोला है। दैट इज वाई इट इज सेड इन द मुरली। अभी गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। It will not be called the nectar of the knowledge of the Gita now. अभी जो ज्ञान सुनाए रहे हैं। The knowledge which is being narrated now. तुम बच्चे सुन रहे हो इसको गीता ज्ञानामृत नहीं कहेंगे। The knowledge which you children are listening to will not be called the nectar of the knowledge of the Gita. शास्त्रों में गायन है। It is famous in the scriptures. कि सागर मंथन हुआ। That when the churning of the ocean took place, तो मंथन होने के बाद अमृत कलश निकला। Then the pot of nectar came out after the churning of the ocean took place. कि पहले ही निकला है? Or did it come out before the churning itself? अमृत निकलता ही तब है, सार निकलता ही तब है, मक्खन निकलता ही तब है, जब दूध या दही को भिगोया जाता है, मथा जाता है। The nectar, the essence, the butter comes out only when the milk or curd, that is yogurt, is churned, when it is whipped. तो सन 68 तक। So, till the year 68, ब्रह्मा के द्वारा जो भी ज्ञान सुनाया। Whatever knowledge was narrated through Brahma, वो ज्ञान अमृत नहीं था। That knowledge wasn't the nectar. Yeah? What? वो कच्चा दूध था। इट वॉज रॉ मिल्क। दही था। इट वॉज कर्ड। मक्खन बाहर नहीं आया। द बटर डिडंट कम आउट। वो बेसिक नॉलेज थी। इट वॉज द बेसिक नॉलेज। रटने और रटाने की नॉलेज थी। इट वॉज द नॉलेज ऑफ रिपीटिंग एंड मेकिंग अदर्स रिपीट इट। ब्रह्मा के शरीर छोड़ने के बाद। आफ्टर ब्रह्मा लेफ्ट हिज बॉडी। क्या ब्राह्मणों की दुनिया में शक्ति रूपी रंगमंच खाली हो गया क्या? Did the stage like world in the world of the Brahmins become empty? ये संसार रूपी जंगल है। This jungle like world, जिसकी यादगार में, in its memorial, नोटों में तीन शेर दिखाए जाते हैं। Three lions are shown on the currency, जो कोर्ट के स्टाम्प पेपर होते हैं उनमें भी तीन शेर दिखाए जाते हैं। The three lions are shown in the stamp papers of the court too. वो झंडे के लिए कहा जाता है विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। It is said for that flag, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा। सारे विश्व के ऊपर विजय प्राप्त कराने वाला ये हमारा झंडा है। This flag of ours is the one which will enable us to gain victory over the entire world. तो क्या कपड़े का झंडा होता है विश्व विजय कराता है? So does the flag made of cloth enable us to gain victory over the world? या कोई चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है? Or are they some living cloth like bodies? ये चैतन्य शरीर रूपी वस्त्र है। These are the living cloth like bodies. ब्रह्मा विष्णु और शंकर। ब्रह्मा विष्णु एंड शंकर। इन तीन के द्वारा सारी सृष्टि के ऊपर विश्व विजय होती है। Victory is gained over the entire world through these three personalities. अभी हुई नहीं है। It hasn't taken place now. और ये तीनों मूर्तियाँ कोई ऊपर नहीं चली गई है सूक्ष्म बतन में।
and these three personalities haven't gone somewhere above in the subtle world. इसी सृष्टि पर मौजूद है. They are present in this world itself. ये तीन मूर्तियों का ज्ञान रूपी धागा जो अपने कंधे पर धारण कर लेगा वो पक्का ज्ञानी द्विज कहा जाता है. The one who will wear the thread-like knowledge of these three personalities on his shoulder is called a perfect knowledgeable soul, a dvij. Dvi mane dusri baar, ja mane janma. Dvi means for the second time, that is dusri baar, and ja means birth, that is janma. Kya? What? Ye advanced knowledge, teen murtiyon ki puri pehchan, jiski buddhi mein baith jati hai, वो है पक्का पक्का द्विज. द वन इन हूज इंटेलेक्ट दिस एडवांस नॉलेज द कम्प्लीट रिकॉग्निशन ऑफ द थ्री पर्सनैलिटी सिट्स इज अ परफेक्ट द्विज. द्विज माना दूसरी बार जन्म लेने वाला. द्विज मीन्स द वन हु इज बॉर्न फॉर द सेकेंड टाइम. ऐसे नहीं. इट इजंट दैट कि लौकिक माँ बाप से शरीर का जन्म लिया वो पहला जन्म हो गया. द बर्थ ऑफ द बॉडी दैट वी रिसीव through our laukik parents was our first birth. और फिर basic knowledge में आकर के ब्रह्मा के द्वारा ब्रह्मा कुमारियों के द्वारा जो जन्म मिला वो द्विज हो गए. And then after coming to the basic knowledge, when we were born through Brahma, through the Brahma Kumaris, we became द्विज. नहीं. No. यहाँ दोनों जन्म अलौकिक है. Here both the births are अलौकिक. एक जन्म मिलता है basic knowledge में. We receive one birth in the basic knowledge. और दूसरा जन्म मिलता है एडवांस नॉलेज. And we receive the second birth in the advanced knowledge. Basic knowledge में जो जन्म मिलता है वो ब्रह्मा के द्वारा मिलता है. The birth which we receive in the basic knowledge is through Brahma. भले ये कि आदि में प्रजापिता भी मौजूद था. Although Prajapita was also present in the beginning of the yagya. लेकिन बाद में सभी ब्राह्मणों से प्रजापिता को भूल गए. लेटर ऑन ऑल द ब्राह्मिन्स फॉरगॉट दैट प्रजापिता. सन 66 की मुरलियों में शिव बाबा ने फिर से याद दिलाया. इन द मुरलीज ऑफ द ईयर 66 शिव बाबा रिमाइंडेड दिस टू द चिल्ड्रन वंस अगेन. कि तुम जो ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखते हो चित्रों में. द वर्ड ब्रह्मा कुमारी विद्यालय दैट यू राइट इन द पिक्चर्स पोस्टरों में. इन द पोस्टर्स और जो सेंटर का बोर्ड लगाते हो उसमें ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रॉन्ग है. एंड ऑन द बोर्ड्स यू पुट ऑन द सेंटर्स इज रॉन्ग. क्या लिखना चाहिए? व्हाट शुड यू राइट? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी विद्यालय. प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विद्यालय. और ये बात ब्रह्मा के मुख से तब बोली गई. एंड दिस वॉज स्पोकन थ्रू ब्रह्माज माउथ. तब उनकी बुद्धि में बैठी. It sat in his intellect at the time जब मम्मा ब्रह्मा बाबा से अलग हो गई. When मम्मा became separated from him. मम्मा बीमार हो चुकी थी. मम्मा was ill. लंबे समय तक बम्बई हॉस्पिटल में पड़ी रही. She was admitted in the hospital at Bombay for a long time. तो यज्ञ को संभालने वाली कोई माता निमित्त रूप में नहीं रही. So there wasn't any mother in the form of an instrument to take care of the yagya. और आपाधापी हो गई. And there was a competition. ढेर सारी माताएं बनकर के बैठ गई. Many sat as mothers. बाबा ने सोचा. बाबा thought. ये तो ठीक नहीं हो रहा है. What is happening isn't right indeed. ये तो सारे के सारे मेरे ऊपर हावी होते जा रहे हैं. All of them are dominating me. उनकी बुद्धि में बैठ गया यज्ञ के आदि में जो व्यक्तित्व था. क्यू? इट सैट इन हिज इंटेलेक्ट द पर्सनैलिटी हु वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ दैट इज पीयू. वही श्रेष्ठ व्यक्ति था. ही अलोन वॉज द राइटियस पर्सन. फट से उनकी बुद्धि में ये बात आई और मुरली में ये बात बोलना शुरू कर दिया. दिस केम टू हिज इंटेलेक्ट इमीडिएटली एंड ही स्टार्टेड सेइंग दिस इन द मुरली. कि ब्रह्मा कुमारी विद्यालय लिखना रंग क्या लिखना चाहिए? प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी यीशु विश्वविद्यालय. दैट इट इज रॉन्ग टू राइट ब्रह्म कुमारी विद्यालय. व्हाट शुड बी रिटन? प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय.
और तुम बच्चों को भी अपना टाइटल देना चाहिए, ब्रह्मा कुमार कुमारी नहीं। एंड यू चिल्ड्रन शुड ऑल्सो राइट योर टाइटल, नॉट ब्रह्मा कुमार कुमारी। क्या? प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। वॉट? स्टूडेंट्स, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी, प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारी। अगर सिर्फ ब्रह्मा कुमार कुमारी कहेंगे, इफ यू कॉल योर सेल्फ जस्ट ब्रह्मा कुमार कुमारी, तो कोई सुनेगा तो कहेगा ये क्या बात है, ये अम्मा का नाम बताता है। एंड समवन लिसन्स टू इट, ही विल से व्हाट्स द मैटर, ही सेज हिज मदर्स नेम, और बाप का नाम नहीं बताता, कुछ गड़बड़ है। एंड डजंट से हिज फादर्स नेम, देयर इज समथिंग रॉन्ग, तो ये ठीक नहीं। सो दिस इज नॉट राइट, तुम दोनों का नाम बताओ। से द नेम ऑफ बोथ, बाप का भी नाम बताओ और माँ का भी नाम बताओ। से द नेम ऑफ द फादर एज वेल एज द मदर, हमारा है ही प्रवृत्ति मार्ग। अवर्स इज इंडीड द हाउस होल्ड पाथ, हमारा कोई निवृत्ति मार्ग नहीं है। अवर्स इज नॉट एनी पाथ ऑफ रिनंसिएशन, बस दैट्स इट। उस समय से लेकर के चित्रों में जो बड़े बड़े 30x40 inch के चित्र थे उनमें छपाया जाने लगा। फ्रॉम दैट टाइम ऑनवर्ड्स इट स्टार्टेड बींग प्रिंटेड इन द पिक्चर्स, द बिग पिक्चर्स विच आर 30x40 inches इन साइज। प्रूफ के लिए वो चित्र अभी भी मौजूद मिलेंगे कहीं न कहीं। फॉर प्रूफ दोज पिक्चर्स विल बी फाउंड समवेयर इवन नाउ, पुरानी गीता पाठशालाओं, इन द ओल्ड गीता पाठशालाज, जिनमें सीढ़ी के चित्र में, अमंग देम इन द पिक्चर ऑफ द लैडर, और लक्ष्मी नारायण के चित्र में जो सन 66 के बाद बने थे। एंड इन द पिक्चर ऑफ लक्ष्मी नारायण विच वर प्रिपेयर्ड आफ्टर द ईयर 66, उनमें प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय लिखा हुआ है। द वर्ड प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय इज रिटन। और जो चित्र है त्रिमूर्ति गोला और झाड़ के चित्र 60-61 में तैयार हुए थे, उनमें लिखा है ब्रह्मा कुमारी ईश्वर विश्वविद्यालय। एंड इन द पिक्चर्स ऑफ द त्रिमूर्ति द व्हील एंड द ट्री विच वर प्रिपेयर्ड इन 60-61 इट इज रिटन ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। तो माँ और बाप, सो द मदर एंड द फादर, दोनों मिलकर के जब गृहस्थी का कार्य करते हैं चलाते हैं तो गृहस्थी अच्छी चलती है। वेन बोथ डू द वर्क ऑफ द हाउस होल्ड रन द हाउस होल्ड टूगेदर देन द हाउस होल्ड रन्स वेल। ये भी बेहद के माँ और बाप हैं, राम और कृष्ण की आत्माएं। दीज आर ऑल्सो द अनलिमिटेड मदर एंड फादर दैट इज द सोल्स ऑफ राम एंड कृष्णा। कृष्ण की सोल है माँ के रूप में पार्ट बजाने वाली। द सोल ऑफ कृष्णा इज द वन हु प्लेज द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द मदर। और राम की सोल है बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली, जो यज्ञ के आदि में राम की आत्मा थी। एंड द सोल ऑफ राम इज द वन हु प्लेज द पार्ट इन द फॉर्म ऑफ द फादर। द सोल ऑफ राम हु वॉज एट द बिगिनिंग ऑफ द यज्ञ फेल हो गई, चली गई, वो दोबारा फिर यज्ञ में आती। हु फेल्ड एंड वेंट अवे कम्स टू द यज्ञ वंस अगेन। ये संसार रूपी जंगल शेर के बगैर खाली नहीं रहता। दिस जंगल लाइक वर्ल्ड डजंट रिमेन एम्प्टी विदाउट अ लायन। एक ब्रह्मा रूपी शेर दादा लेखराज गया। वन ब्रह्मा इन द फॉर्म ऑफ अ लायन दादा लेखराज वेंट अवे। तो दूसरा शेर सृष्टि रूपी रंगमंच पर उनके शरीर छोड़ने के बाद उसी वर्ष में मौजूद हो जाता है, आ जाता है। सो द अदर लायन कम्स ऑन द स्टेज लाइक वर्ल्ड इन द सेम ईयर आफ्टर ही लीव्स हिज बॉडी। तो एक हुआ शेर एक हुई शेरनी। देयरफॉर वन इज अ लायन एंड द अदर इज अ लायनेस। ये तीन शेर हैं। दीज आर द थ्री लायंस। तीसरा शेर है विष्णु। द थर्ड लायन इज विष्णु जो लास्ट में प्रत्यक्ष होता है। हु इज रिवील्ड एट द एंड। अब ये तीनों शेरों की प्रत्यक्षता होने वाली है। नाउ द रेवलेशन ऑफ ऑल दीज थ्री लायंस इज गोइंग टू टेक प्लेस। टाइम पूरा हो गया। द टाइम इज कम्प्लीट। 30-33 साल ब्रह्मा के सन 68 में पूरे हुए। 32-33 years ऑफ ब्रह्मा वर कम्प्लीटेड इन द ईयर 68। 30-33 साल शंकर के 2004 में पूरे हुए। 32-33 years ऑफ शंकर वर कम्प्लीटेड इन 2004। और 30-33 साल विष्णु के
एंड देर आर द 32-33 ईयर्स ऑफ विष्णु जो अभी प्रत्यक्षता होने वाली हुज रेवलेशन इज गोइंग टू टेक प्लेस नाउ तीनों मूर्तियाँ प्रत्यक्ष होती है ऑल द 3 पर्सनैलिटीज आर रिवील्ड और संसार में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराने लगता है एंड द फ्लैग ऑफ द फादर्स रेवलेशन स्टार्ट्स फ्लटरिंग इन द वर्ल्ड ओम शांति ओम शांति